ठीक है, ये हमारा क्या RTL STR है, जो हमारा STR डिवाइस है एक, जिसके थ्रू हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। अलग 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 RTL STR अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ STR अवेलेबल है मार्केट में। लाइक ये हमारा RTL STR हो गया एक डिवाइस। लेकिन ये डिवाइस क्या है आपका, वो सिम ये हमारा सिर्फ या तो रिसीव कर सकता है या फिर ट्रांसमिट करता है, एक सिंप्लेक्स डिवाइस है। फिर हमारे पास जो एसटीआर है वो है RF1, हैक RF1 एक हमारे पास एसटीआर डिवाइस। ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है, एक बार में या तो हम ट्रांसमिट ही कर सकते हैं या फिर रिसीव ही कर सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज को। इसका भी एक रेंज है, उस पर्टिकुलर रेंज में ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, अपने डेटा कैप्चरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या तो रिसीव कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो हमारा RTL STR था वो सिंप्लेक्स था, वो बस रिसीव कर सकता था रेडियो फ्रिक्वेंसीज को, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारा STR है, RF1 STR, इसमें हम लोग ट्रांसमिट भी कर सकते हैं अपने जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। देन वी हैव ब्लेड RF STR, ब्लेड RF STR ये हमारा फुल डुप्लेक्स STR है। एक ही टाइम पे हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, ये हमारा फुल डुप्लेक्स है। सेम वर्क वही है इसका, जो हमारा है RF1 या फिर STR का था, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग को कैप्चर कर सकते हैं, ISS से जो डेटा हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर जो भी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट कर रही हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज में डेटा को, उन सभी को हम लोग STR के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और मॉनिटर भी हम लोग कर सकते हैं। इन सब का एक रेंज होता है, उस रेंज पे बेसिकली जो भी हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या करता है, वो मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज, लाइक जो हमारा वाईफाई है वो कितने पे, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, वो भी तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में वर्क करता है, 5 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। GSM है हमारा, या फिर 3G हो गया, ये सब भी हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी में वर्क करता है। GSM 900 मेगाहर्ट्ज और 950 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता था। ये जो हमारा अभी 3G है या 4G है, वो 1600 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। तो सारा जितना भी हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा होता है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे हो रहा होता है। सभी के अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होते हैं, बैंडविड्थ होते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिवाइस एक यूनिवर्सल डिवाइस की तरह एक्ट करता है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज रेडियो फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर करने में और ट्रांसमिट करने में। एक और STR है बस LIME STR, लाइक BLADE STR, BLADE RF STR, हमारे पास LIME STR है। सेम वही वर्क है जो हमारा BLADE RF या फिर HAC RF का था, बस अलग अलग वेंडर्स अपने अपने अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं SDR को। तो सबका काम वही है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करना, कैप्चर करना, ट्रांसमिट करना। ओके okay.